खुशामदीद व्यूवर्स, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज मैं आप सबके सामने अपने यादों का पिटारा खोलने वाली हूँ। देखो आपके सामने एक प्यारा सा व्यू आ रहा होगा और एक प्यारा सा वीडियो चल रहा होगा। देखकर आप सबको मन कर रहा होगा कि इस जगह एक ना एक बार ज़रूर विज़िट करें। और मैं बता दूँ कि इस जगह पे ज़्यादा लोग जाना नहीं चाहते हैं, और जाते भी है तो तब जाते हैं जब उनका ट्रांसफ़र होता है, या फिर मेरे जैसे लोग जिनका बचपन वहीं गुजरा है या फिर जिनका घर वहीं पे है, वो लोग इस जगह को बहुत अच्छे से जानते हैं और वीडियो देखते ही समझ गए होंगे कि ये कौन सी जगह है। इस जगह का नाम है माया बंदर। हाँ, ये वही माया बंदर है, यहीं पर मेरा बचपन गुजरा है और इसी जगह पर बहुत सारी यादें मेरी कैद हैं। यहाँ पे आती हूँ तो सारे फ्लैशबैक्स आ जाते हैं। हाँ, शहरी भागदौड़ में हम बड़े तो हो गए, रोज़ की बिजी लाइफ, इस शहर की ज़िंदगी, यहाँ पे हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन हम अपने बचपन को पीछे छोड़कर आ गए हैं इसी जगह पे। यहाँ पे बहुत सारी यादें हैं, मैं, मेरे कज़न्स, हम सब यहीं पे बड़े हुए हैं। बड़े तो नहीं हुए, थोड़े से बड़े होने के बाद हम सब यहाँ आ गए, और हमारा बचपन यहीं गुजरा। हम बचपन में खेलते थे, हमारे अजीबोगरीब गेम्स होते थे, हमारे मम्मी अब्बू, जो चाचा चाची, बड़े अब्बू बड़ी मम्मी, सब साथ रहते थे। जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी तो सब लूडो खेलते थे। वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे सब बिजी, मिलते हैं कभी कभार, पर वो जो मिलजुल कर रहना होता है वो सिर्फ इसी जगह पे होता है। यहाँ पे आती हूँ तो सुकून मिलता है, यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी उस बचपन की याद दिलाती है। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, उतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे होम डिलीवरी नहीं होता है फूड्स का, यहाँ पे उतने सारे रेस्टोरेंट्स नहीं हैं, एक दो है और वो भी उतना ख़ास नहीं है, लेकिन यहाँ पे सुकून है। यहाँ पे आप अगर अपनी ज़िंदगी से थक गए हो ना, मेंटल पीस चाहते हो, तो यहाँ आ जाओ। जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं, तुम वहाँ क्यों जा रही हो, क्या रखा है माया बंदर में, वहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं मिलता है तुम्हें। पर सच बताओ, जो फीलिंग मुझे यहाँ आके मिलती है ना, वो मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। अब मैं जितना बोल रही हूँ ना वो भी कम है। बचपन में जब हम मायाबंदर में रहते थे तो पोर्टब्लेयर जाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। विंटर वेकेशंस में हम जाते थे, क्रिसमस की छुट्टी होती थी हमारे यहाँ, तो हम 10-11 महीना पहले से एक्साइटेड रहते थे कि हाँ अब जाएंगे लाइक ऐसे। पर अब जब हम यहीं पर रहने लग गए तो हम यहाँ से बोर हो गए। अब हमें लाइक मेनलैंड जाना है, वहाँ पर सेटल होना है, वहाँ पर रहना है, फिर हम वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ से बोर हो जाएंगे, फिर हमें फॉरेन जाना होगा। ऐसे ही ना ज़िंदगी में लाइक हम सिर्फ भागते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, हर जगह से लाइक हर जगह की नेगेटिविटी देखते हैं, यहाँ नहीं रहना है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे वैसा है। पर क्यों ना हम जहाँ रह रहे हैं उसी जगह को, चाहे आप पोर्टब्लेयर में रह रहे हो या फिर आप मायाबंदर में रह रहे हो, आप जहाँ रह रहे हो उसी जगह को इन्जॉय करो, वहाँ की पॉजिटिव वाइब को इन्जॉय करो, और वहाँ पे जो कुछ अच्छा है उसे अपने अंदर लाओ। पॉजिटिविटी देखो हर जगह, लाइक खुश आप हर जगह रह सकते हो। मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, ये सब के बारे में सब बहुत बातें करते हैं, एक बार ना अपने बचपन को याद कर लो, सब दूर हो जाएगा। लाइक हम सोचते थे कब बड़े होंगे, पर बड़े होने के बाद तो हम उतने खुश हैं नहीं जितना बचपन में हुआ करते थे। तो बस कभी कभार बच्चा बन जाओ, कभी कभार अपने बचपन की जगह को विज़िट कर लो, जैसे मैं आई हूँ यहाँ पे माया बंदर। वैसे आप भी अपना बचपन का जो भी गांव है या फिर आप जहाँ रहते हो वहाँ थोड़ा अपना बचपन को याद कर लो आँख बंद करके, और खुश रहा करो। थैंक यू।